न्यूज ऑल इंडिया देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की और कानपुर से पहली खबर, जहां बीते शुक्रवार को देर रात तवीर मार्केट में एक युवक द्वारा दुकानदार को चाकू मारे जाने की घटना के मामले को लेकर संजीदा हुए पुलिस कमिश्नर ने जहां अपनी जांच तेज कर दी, वहीं हमलावर की तलाश भी शुरू कर दी। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार ने नवीन मार्केट में जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और सभी दुकानदारों से बातचीत करने के साथ ही व्यापार मंडल के साथ हुई बैठक। इस दौरान व्यापारियों में जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को पुलिस कमिश्नर निखिल कुमार को बताया और निखिल कुमार ने सभी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करने का आश्वासन देने के साथ ही कहा कि ध्यान रखें कि कोई भी कर्मचारी रखने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इनके यहाँ तरहा नाम का एक लड़का है, यंग एज का ही लड़का है, 13-14 साल उम्र बताई जा रही है। कुछ दिन पूर्व काम किया था और उस दौरान कुछ आपस में मनमुटाव हो गया था। आज वह पुनः कल रात आया है और अनप्रोवोक वे में उन पर हमला कर दिया है। बड़ी दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बीच बाजार में उसने ये दुस्साहसिक कार्य किया है। उसको पकड़ने का स्थानीय लोगों ने प्रयास किया, उनके कर्मचारियों ने, बट उसके हाथ में चूंकि चाकू था तो उसका लाभ उठाते वो भाग गया है। झांसी में गत रोज नवाबाद थाना क्षेत्र के कोचवा भावर में फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से लाखों रुपए लूट कांड की घटना का स्वाट और नवाबाद पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा करते हुए 5 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लूट की 8,61,000 की रकम सहित घटना में इस्तेमाल पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि बरामद कर ली है। दीपक शर्मा जो थाना क्षेत्र सिपही बाजार के रहने वाले हैं, ये फिनो बैंक में कलेक्शन एजेंट का काम करते थे। दिनांक 17/4/2024 को चिरगांव से कलेक्शन करके वापस अपने घर आ रहे थे। समय करीब 9:30 बजे कोछा भावर जो थाना क्षेत्र नवाबाद में पड़ता है, कोछा भावर पुल पे 3 मोटरसाइकिल सवार इनका बैग जो इन्होंने अपने मोटरसाइकिल की टंकी पर रख रखा था, इनका कट मार करके और लेकर के भाग गए थे। पहले चरण की वोटिंग हो जाने के बाद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। हरिद्वार लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र रावत कम वोटिंग परसेंट के परिणामों को अपने पक्ष में जाने की बात कह रहे हैं। वीरेंद्र रावत का कहना है कि लोग अक्सर सरकार से खुश रहते हैं तो बढ़ चढ़कर वोट करते हैं, लेकिन कम वोटिंग प्रतिशत दर्शाते हैं कि लोग सरकार से संतुष्ट नहीं है। वीरेंद्र रावत ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत से चुनाव प्रचार किया, हालांकि टिकट देर से फाइनल होने की वजह से हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच सके। वहीं वीरेंद्र रावत का कहना है कि हरिद्वार लोकसभा की वोटिंग हो गई है, लेकिन चुनाव परिणाम आने तक पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे वो निभाएंगे। कानपुर में इंडिया गठबंधन के सांसद प्रत्याशी आलोक मिश्रा ने शनिवार को कानपुर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने प्रस्तावों के साथ नामांकन का पर्चा भी भर दिया, लेकिन देखा जाए तो जहां एक और बीजेपी के प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने जनसभा करके जुलूस निकालकर नामांकन कराया, तो वहीं कांग्रेस से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार आलोक मिश्रा ने बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से नामांकन कराया। वहीं आलोक मिश्रा ने कहा कि अब की बार 400 पार का नारा लेकर बीजेपी मैदान में उतरी है, वो केवल महंगाई को बढ़ाएगी, तेल 200 रुपए लीटर और 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार होगा, कुछ नहीं होगा। आलोक मिश्रा ने कहा कि पिछली बार भी कानपुर में बीजेपी के सांसद रहे लेकिन विकास कार्य कुछ नहीं हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम की जमानत बचाने को लेकर आलोक मिश्रा ने कहा कि जमानत बीजेपी उनकी जब्त होगी। नामांकन कराया, क्या हुआ? नामांकन कराया, चुनाव लड़ेंगे। इरादा ये है कि जो डेवलपमेंट रुका हुआ है पिछले 10 सालों से कानपुर का, उस डेवलपमेंट की गति को आगे बढ़ाना है। जो 15 साल कांग्रेस के हमारे सांसद रहे श्री प्रकाश जी, उन्होंने जो डेवलपमेंट की धारा बढ़ाई थी जिसको अवरुद्ध कर दिया गया, उस अवरोध को दूर करके कानपुर का और डेवलपमेंट कराना है। पहले चरण की वोटिंग के बाद हरिद्वार के बीएचईएल स्थित केंद्रीय विद्यालय में स्ट्रांग रूम बनाया गया। कड़ी सुरक्षा के बीच 4 जून तक ईवीएम मशीन स्ट्रांग रूम में बंद रहेगी। ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए 3 लेयर की सुरक्षा तैनात की गई है, साथ ही 66 सीसीटीवी कैमरों के जरिए ईवीएम मशीनों की निगरानी की जा रही है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधि भी 4 जून तक स्ट्रांग रूम के बाहर बने कंट्रोल रूम से ईवीएम मशीनों की सुरक्षा की निगरानी कर सकेंगे। इसके लिए बड़ी एलईडी स्क्रीन भी लगाई गई है। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी में पहुंचे। डॉक्टर मोहन यादव का क्षेत्र की जनता ने भव्य स्वागत किया, तो वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर ज्वारा मंदसौर नीमच क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में सुधीर गुप्ता को मैदान में उतारा है, जिसका नामांकन भरवाने के लिए प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर पहुंचे और रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। नामांकन भरा गया, कार्यकर्ताओं की विशाल रैली गांधी चौराहा पहुंची, जहां पर प्रदेश के मुखिया ने आम सभा को संबोधित किया, कहा कि कांग्रेस का तपता भी नहीं लगेगा, यूपी से भागकर केरल में अटके हो या चुनाव बता देगा, पूरी कांग्रेस को डुबो कर आओगे, कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। कानपुर में लोकसभा चुनाव के बीजेपी सांसद प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने कानपुर परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर के दर्शन करके जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम
केशव प्रसाद मौर्य भी सम्मिलित हुए। वहीं बड़ी संख्या में भाजपा के नेताओं के साथ जुलूस निकालने के बाद रमेश अवस्थी कानपुर के कलेक्ट्रेट में नामांकन कराने पहुंचे। इस दौरान नामांकन का पर्चा भरने के लिए पुलिस और भाजपाइयों में कहासुनी हो गई। दरअसल जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशानुसार नामांकन पक्ष में प्रत्याशी को मिलाकर 5 लोगों की जाने की अनुमति थी, लेकिन विधायक सुरेंद्र मथानी के अंदर जाने को लेकर भाजपाई और पुलिस से काफी देर तक यहाँ पर तूतू मैं होती रही, लेकिन सुरेंद्र मथानी ने खुद न जाने का निर्णय लिया। देखिए, ऐसा मुख्यमंत्री ने वो पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में जो माहौल दिख रहा है उस माहौल के आधार पर विपक्ष का बिल्कुल सफाया हो गया है, और इसलिए उस आधार को उन्होंने कहा। और आज जब वो आए हैं तो जिस उत्साह के साथ कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और भारी भीड़ थी, तो माहौल के देखते हुए उन्होंने कहा कि जो विपक्षी हमारे प्रत्याशी उसकी जमानत जब्त होगी उसमें कोई संदेह नहीं। जिस तरह से चुनावी माहौल बन रहा है, माननीय मोदी जी की जो योजनाएं हैं जन जन तक पहुंच रही है, आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मेरठ में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की चुनावी रैली प्रस्तावित है, जिसके मद्देनजर मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र के हापुड़ विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर और गाड़ियों की रैली निकालकर बसपा प्रत्याशी की रैली में पहुंचे और रैली के कारण सड़कों पर जाम की स्थिति हो गई, जिसके लिए ट्रैफिक पुलिस पहले से मुस्तैद दिखाई दी। बसपा प्रत्याशी ने रैली के दौरान रास्ते पड़ने वाले महापुरुषों चौधरी चरण सिंह, बाबा राव साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण पर भी किया। तो वहीं बसपा प्रत्याशी द्वारा हापुड़ शहर में रैली निकालने का मुख्य उद्देश्य, लोग ये मान रहे हैं कि हापुड़ शहर दलित बहुल क्षेत्र है और प्रत्याशी त्यागी बिरादरी से होने के नाते कहीं बसपा का वोट बैंक उससे छिटक ना जाए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ये कहावत आपने सुनी होगी। कुछ ऐसा गौंडा जिले के रहने वाले हाई स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा प्रज्ञा श्रीवास्तव ने कर दिखाया। प्रज्ञा श्रीवास्तव ने हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में 6वां स्थान प्राप्त कर गौंडा जिले का नाम रोशन कर दिया। प्रज्ञा श्रीवास्तव सरस्वती विद्या मंदिर मालवीय नगर में हाई स्कूल की पढ़ाई करती है। गोंडा जिले के विष्णुपुरी की रहने वाली प्रज्ञा श्रीवास्तव ने हाई स्कूल की परीक्षा में 600 में से 585 अंक प्राप्त कर यूपी में 6ठा स्थान हासिल करके जिले का नाम रोशन कर दिया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है। संभल जिले के सुदर्शन कुमार ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर जिले को टॉप किया। सुदर्शन कुमार के पिता जूते चप्पल बेचने का काम करते हैं, उनकी सफलता से परिवार में खुशी का माहौल है। वहीं सुदर्शन कुमार ने बताया कि उनका सपना यूपीएससी कर आईएएस बनने का है। फिलहाल सुदर्शन कुमार को बधाई देने के लिए उनके शुभचिंतकों का घर में आना जाना शुरू हो चुका है। खबर झांसी के मऊरानीपुर कोतवाली क्षेत्र, जहां एक 10वीं की छात्रा के साथ गांव के कोटेदार द्वारा स्कूल आते जाते समय रास्ते में रोककर छेड़खानी करने और छात्रा को गहने और कपड़ों का लालच दिया गया, जिसकी शिकायत छात्रों ने अपने परिजनों से की, जिसके बाद परिजनों से लेकर कोतवाली पहुंचे, जहां आरोपी कोटेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की गई। प्रार्थना पत्र में बताया गया कि छात्रा मऊरानीपुर के एक विद्यालय में पढ़ती है और वो प्रतिदिन सुबह घर से जब भी निकलती है तो गांव का कोटेदार उसे रास्ते में रोककर गलत नियत से उसके गहनों कपड़ों का प्रलोभन देता है, जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। हरदोई में तमाम लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने के लिए आयोजित की गई एक जनसभा में जिले के प्रभारी मंत्री और उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने बुलडोजर का न्याय का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि पहले माफिया मकान दुकान कब्जा करते थे, बुलडोजर से डरते हैं, इसी वजह से अपराधी आज भयभीत है। उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी निशाने पर रखा और कहा कि प्रत्याशी पैदा न कर पाने की कगार पर सपा है जो बांझ हो चुकी है, जहां नरेश अग्रवाल ने भी गठबंधन को कुएं का झुंड बताया और कहा मोदी योगी हंस है जो जोड़े में रहते हैं। देखिए, ऐसा है कि उनको कुछ न कुछ कहना, मैं ये पूछना चाहता हूँ अखिलेश यादव जी से, उनके पास मुद्दा क्या है, उनकी दिशा क्या है, वो किन मुद्दों के आधार पर इस उत्तर प्रदेश के और देश के इतने बड़े चुनाव में जाना चाहते हैं। लोकसभा के चुनाव में विपक्ष के पास एक मुद्दा नहीं है, और जबकि सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ जाने कितने मुद्दे रहते हैं, आज विपक्ष विहीन हो गया, ये कितना बड़ा उनके पास वो है। मुझे लगता है कि मानसिक गाजियाबाद के इंद्रपुरम में 2 साल पहले एक अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसकी पुलिस तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक अपहरणकर्ता युवक अपनी पत्नी से बात किया करता था, इसके बाद पुलिस को समझते देर नहीं लगी कि मामला अपहरण का नहीं बल्कि बैंक से ली गई मोटी रकम को हड़पने के लिए दी गई अपहरण की झूठी रचना का है। पुलिस की कई टीमों ने अपहरण हुए युवक को हरियाणा से बरामद कर लिया। इस पूरी घटना में उसकी पत्नी ने भी उसका पूरा साथ दिया, यानी कि अब वो भी इस पूरे मामले में आरोपी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। फतेहपुर जिले में यूपी बोर्ड रिजल्ट में हुसैनगंज स्थित एसएस इंटर कॉलेज की हाई स्कूल टॉपर सेकंड दीपिका सोनकर 590 अंक प्राप्त कर 98% अंक हासिल किए हैं। वहीं इंटर में अंशा विश्वकर्मा 400
86 अंक प्राप्त कर 97% लाकर यूपी में तीसरा स्थान प्राप्त कर चुकी हैं। लवी गुप्ता 486 अंक हासिल कर 97% अंक लाकर यूपी में चौथा स्थान प्राप्त कर चुके हैं। देवरिया जिले के रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में स्थित सीएससी मेमोरियल इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स ने हाईस्कूल एंटर की परीक्षा में परचम लहरा दिया। देवरिया की बेटी फरहा सुल्ताना ने हाईस्कूल में जिले में 9वां स्थान प्राप्त किया। उन्होंने जिले और गांव का मान बढ़ाया। वहीं इंटर में आदित्य निषाद ने जिले में 8वां स्थान प्राप्त किया। सीएस मेमोरियल इंटर कॉलेज के साथ साथ जिले का नाम रोशन किया है। वहीं सीएस मेमोरियल इंटर कॉलेज के स्टूडेंट्स फरहाद सुल्ताना और आदित्य निषाद ने अपनी सफलता का श्रेय अपने प्रिंसिपल गोकुल सिंह के साथ साथ सभी टीचर्स को दिया। भाजपा उम्मीदवार रामशंकर कटेरिया ने नामांकन किया। नामांकन के बाद मोतीझील ग्राउंड में नामांकन सभा का आयोजन किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी नामांकन सभा में शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य ने यूपी में 80 सीटें और पूरे देश में 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। बिजनौर के तहसील चांदपुर क्षेत्र में अचानक गेहूं के कटे खेत में आग लग जाने से गांव में अफरातफरी मच गई। सैकड़ों लोग आग बुझाने के लिए खेत की ओर दौड़ पड़े। तेज हवा होने की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन कर बुलाया, जहां फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तब तक कई खेत जलकर राख हो चुके थे। गर्भवती महिलाएं बुजुर्गों अल्ट्रासाउंड कराने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ती, आखिर क्यों? सीएमएस की नजरों पर पर्दा पड़ा है। योगी और मोदी जनता के लिए बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाया मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है। आयुष्मान कार्ड जैसी तमाम योजनाएं भी हैं, लेकिन धरातल पर दिखाई नहीं दे रही। अधिकारियों की भ्रष्टाचार नीति के चलते कागजों में ये तमाम जो योजनाएं हैं वो दौड़ रही हैं। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है रियलिटी चेक करने के लिए। जिला महिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से सुविधाओं के बारे में रियलिटी चेक किया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ के लोगों का और किस तरह के हालात वहां पर थे। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों सुविधा मुहैया कराने के तमाम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सुधारने का नाम नहीं ले रहा है। आज हम बात करते हैं बदायूं जनपद के महिला अस्पताल की, जहां तमाम ऐसी खामियां बताएंगे जो मरीजों को आज दिन दिक्कत का सामना करना पड़ा है। और आज हम पहले शुरुआत करते हैं जीरो ग्राउंड एक महिला अस्पताल की लिफ्ट की। हम अपने कैमरा मैन से कहेंगे वो दिखाएं कि लिफ्ट का हम बटन दबा रहे हैं और ये लिफ्ट, ये देखिएगा, ये लिफ्ट काफ़ी समय से खराब पड़ी हुई है और यहाँ मरीजों को ऊपर जाने में और आने में बहुत ही दिक्कत आती है और जीने से उतरने चढ़ने में गर्भवती महिलाओं को भी इसमें बहुत बड़ी परेशानी है। और खास बात यह है कि अल्ट्रासाउंड सेंटर ओपीडी में होना चाहिए, जबकि तीसरी मंजिल पर बेड बना हुआ है, वहाँ तक पहुँचने में लिफ्ट ना होने के कारण मरीजों को बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। हम तमाम इस संबंध में उच्च अधिकारियों से संबंध में बात भी कर चुके हैं, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।